नमस्ते, हमारे चैनल डिश एंड डेजर्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे यमी एंड टेस्टी खस्ता पापड़ी। इसके लिए हमें चाहिए नाइलिन बीटन राइस या पोहा, 1 कप व्हीट फ्लोर, 1 टेस्पून शेजवान चटनी, व्हाइट सेसमी सीड्स 2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 2 टीस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून। अब एक ब्लेंडर लीजिए, उसमें पोहे को डालिए और उसे ग्राइंड कीजिए। 2 कप पोहा ग्राइंड होने के बाद मेजर करेंगे तो वो 1/2 कप बनता है। एक छोटा सा पैन लीजिए, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालिए, फिर उसमें अजवाइन डालिए, फिर उसमें सेसमी सीड्स डालिए, उसमें रेड चिली पाउडर, चाट मसाला, टर्मरिक पाउडर डालिए और उसे अच्छे से मिक्स कीजिए। इन सबको मिक्स करते टाइम फ्लेम को लो ही रखिएगा। अब उसमें शेजवान चटनी डालिए, ये इसके टेस्ट को और भी बढ़ा देगा। फिर उसे मिक्स कीजिए एंड फ्लेम को ऑफ कीजिए। फ्लेम को ऑफ करने के बाद उस मिक्सर को एक बोल में ट्रांसफ़र कीजिए, फिर उसमें सॉल्ट डालिए एज पर टेस्ट और उसे मिक्स कीजिए। उसके बाद हमने जो पोहा को पाउडर करके रखा था उसे डालिए, फिर उसमें ही व्हीट फ्लोर डालिए और मिक्स कीजिए अच्छे से। दोनों को मिक्स कीजिए उस मिक्सर में, फिर पानी डालिए। ज़्यादा पानी एक साथ मत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके डालिए, क्योंकि हमें एक मीडियम स्टिफ डो चाहिए, ज़्यादा स्टिफ भी नहीं और ज़्यादा सॉफ्ट डो भी नहीं। इसीलिए पहले थोड़ा पानी डालिए, फिर उसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कीजिए, फिर अपने हाथों की मदद से एक स्टिफ डो बनाइए। ज़रूरत के हिसाब से पानी डालिए। अब देखिए, ये डो एक स्टिफ डो है, मीडियम स्टिफ, ज़्यादा टाइट भी नहीं और ज़्यादा लूज भी नहीं, ऐसा डो बनना चाहिए। सो हमारे पापड़ी का डो इस तरह से बनना चाहिए। फिर डो बनाने के बाद एक छोटा छोटा मीडियम साइज बॉल लीजिए और बॉल्स को बनाते जाइए। बॉल्स को ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा ना बनाए, एक जैसा बनाइए। फिर हमने जो बॉल तैयार किया था उसे लीजिए और एक फ्लैट सरफेस की बॉल या प्लेट, कुछ भी चलेगा, उसे दबा के उसे राउंड शेप दीजिए एंड फिर फोर्क लीजिए और दोनों साइड से उसे प्रिक कीजिए, ताकि जब हम तेल में डालेंगे इस पापड़ी को वो फूले ना। इसीलिए फोर्क की मदद से दोनों साइड से प्रिक कीजिए। अब पापड़ी को फ्राई करने के लिए एक पैन में ऑयल लीजिए और उसे हीट कीजिए। फिर ऑयल हीट होने के बाद पापड़ी को बैच वाइज डालिए और उसे मीडियम लो फ्लेम में फ्राई कीजिए। लेट इट फ्राई प्रॉपरली, दोनों साइड से उसे अच्छे से फ्राई होने दीजिए। हाई फ्लेम रखेंगे तो वो जल्दी फ्राई तो हो जाएगा पर अंदर से कच्चा रह जाएगा, और लो फ्लेम रखेंगे तो वो ज़्यादा हार्ड बन जाएगा। इसलिए मीडियम लो फ्लेम में उसे अच्छे से फ्राई कीजिए। अब देखिए, पापड़ी परफेक्टली फ्राई हो चुका है दोनों साइड से। पापड़ी को ऑयल में से निकालने से पहले एक बार दोनों साइड से 2-3 बार कंटिन्यूसली टर्न कर करके फ्राई कीजिए। अब पापड़ी तैयार है, उसे निकालिए और उसे एक एब्जॉर्बिंग पेपर में या टिश्यू पेपर में रख दीजिए, ताकि जो भी एक्सेस ऑयल हो वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर ले। तो लीजिए, हमारा बेस्ट टी टाइम स्नैक खस्ता पापड़ी बिल्कुल तैयार है। आप उसे एंजॉय कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगा, एंड आप इसे अप टू 15 डेज स्टोर कर सकते हैं।